नमस्कार, आप सभी का लोकवाणी न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपको बताते चलें होलिका का महत्व राजवर्धन शर्मा के साथ लोकवाणी न्यूज पर। और विशाखा शर्मा आपको बताएंगी आज का महत्व, होलिका का क्या महत्व है, इसको किस तरह से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। धन्यवाद और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माना जाता है कि होली दहन करने से पहले होलिका की पूजा करने से आपके मन से सभी प्रे दूर होते हैं और ग्रहों के अशुभ प्रभाव में भी राहत मिलती है। होली की पूजा में यह कथा भी पढ़ने जाने का चलन काफ़ी समय से चला आ रहा है। माना जाता है कि होली दहन करने से पहले होलिका की पूजा करने से आपके मन से सभी प्रे दूर होते हैं और ग्रहों के अशुभ प्रभाव में भी राहत मिलती है। होली की पूजा में यह कथा भी पढ़ने जाने का चलन काफ़ी समय से चला आ रहा है। माना जाता है कि होली दहन करने से पहले होलिका की पूजा करने से होली हिंदू समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। होली एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होलिका दहन इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। इसे दुल्हेंडी और धूली भी कहा जाता है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन की तैयारी त्यौहार से 40 दिन पहले शुरू हो जाती है। लोग सूखी टहनियाँ पत्ते जुटाने लगते हैं। फिर फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को अग्नि जलाई जाती है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह नहाने से पहले इस अग्नि की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं। होली दहन का महत्व है कि आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपको सारी बुराइयों से बचा सकती है। होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आइए आज आपको होलिका दहन से जुड़ी एक कथा के बारे में बताते हैं। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री राम के एक पूर्वज रघु के राज में एक असुर नारी थी। वह नगरवासियों पर तरह तरह के अत्याचार करती। उसे कोई मार भी नहीं सकता था क्योंकि उसने वरदान का कवच पहन रखा था। उसे सिर्फ बच्चों से डर लगता था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसकी एक राक्षसी को मारने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे नगर के बाहर लकड़ी और घास के ढेर में आग लगाकर उसके चारों ओर नृत्य करें तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर ऐसा ही किया गया और राक्षसी की मौत के बाद उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। लोकवाणी न्यूज के लिए मैं विशाखा शर्मा, जय हिंद जय भारत। आइए आज आपको होलिका दहन से जुड़ी एक कथा के बारे में बताते हैं। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री राम के एक पूर्वज रघु के राज में एक असुर नारी थी। वह नगरवासियों पर तरह तरह के अत्याचार करते। उसे कोई मार भी नहीं सकता क्योंकि उसने वरदान का कवच पहन रखा था। उसे बच्चों से डर लगता था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसने राक्षसी को मारने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे नगर के बाहर लकड़ी और घास के ढेर में आग लगा